गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड टू. इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द चैप्टर सेंटेंस. नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. सी, लास्ट लेक्चर में हमने जो आपका सेकेंड चैप्टर है द सेंटेंसेस, उसका हमें एक्सप्लेनेशन देखा था. समरी बता देती हूँ कि सेंटेंस किसे कहते हैं. सेंटेंस यानी कि द ग्रुप ऑफ अ वर्ड्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर विच मेक अ कंप्लीट सेंस. यानी कि जो वाक्य होता है वो शब्द है, उसका समूह है, और उसको हमें क्रोनोलॉजिकल वाइज है वो सेट करना पड़ता है. अ सेंटेंस मस्ट बी मीनिंगफुल, यानी कि जो वाक्य है वो मीनिंग फुल होता है, उसमें से कोई अर्थ होता है, कुछ जानने को मिलता है. और हमने देखा था कि जो नया सेंटेंस है वो ऑलवेज किससे स्टार्ट होता, फर्स्ट लेटर से स्टार्ट होता है, और उसका एंड है उसमें फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेटरी जैसे साइन होते हैं. अ सेंटेंस ऑलवेज बी हैज एन एक्शन वर्ड, यानी कि वाक्य में ऑलवेज एक्शन वर्ड यानी कि जो क्रिया दर्शक वर्ड है वो होते हैं, क्रिया दर्शक शब्द, जैसा मैंने कहा था प्ले, ईट एक्सेट्रा. नाउ वी विल लर्न द एक्सरसाइज. आज हम है वो एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की. ए, टिक राइट द वन विच इज अ सेंटेंस एंड क्रॉस wrong out the one which is not. यहाँ हमें क्या करना है, right और wrong, यानी कि जो sentence complete है उसमें हमें right करना है, और जो question जो sentence complete नहीं है उसमें हमें wrong का sign करना है. इसी तरह first क्या है, दिवित and कनिष्का. दिवित एंड कनिष्का, देखो इज इट मीनिंगफुल, क्या ये मीनिंगफुल सेंटेंस है या क्या हम इसे कुछ जान सकते हैं, नहीं जान सकते. इट इज ओनली नेम, ये सिर्फ नेम है, इसलिए यहाँ आएगा रॉन्ग. देखो आप सिर्फ लर्न करना, ओके. जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब आपको इसकी चैप्टर की पीडीएफ मिल जाएंगी. सेकेंड क्या है, ईटिंग कैरेट. देखो इट इज ऑल्सो मीनिंगफुल और नॉट, ये भी मीनिंगफुल नहीं है. ईटिंग कैरेट, गाजर खाना, लेकिन क्या, किसको, कैसे, ऐसा तो कुछ मेंशन ही नहीं किया है, इसीलिए रॉन्ग. अब थर्ड सेंटेंस देखो, दिवित एंड कनिष्का आर ईटिंग कैरेट. जो दिवित और कनिष्का है वो गाजर खा रहे हैं. देखो ये सेंटेंस है वो कंप्लीट हुआ, जैसा हमने जो एलिफेंट वाला एग्जांपल देखा था ये भी उसी तरह. दिवित एंड कनिष्का, देयर इज नो मीनिंग. ईटिंग कैरेट, इट इज ओनली नो मीनिंग. लेकिन थर्ड, दिवित एंड कनिष्का आर ईटिंग कैरेट, यहाँ है वो हम एक्शन वर्ड ईट, ईटिंग है हम देख सकते हैं, और ये सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंस में है, इसलिए यहाँ आएगा राइट. अब फोर, ए डॉग, लेकिन क्या, क्या कहा है, कुत्ता. मैं जब बोलूँ कुत्ता वाक्य में तो क्या उसका कोई मीनिंग निकलता है, नहीं निकलता, इसलिए रॉन्ग. बार्किंग यानी कि भौंकना, लेकिन कौन, क्या, ओनली मैं कहूँ, आप सिर्फ ओनली फिफ्थ सेंटेंस को ही देखना, ये सेंटेंस ही नहीं है एक्चुअली, ये क्या है, वर्ब है, बार्किंग. बार्किंग यानी कि भौंकना, लेकिन कौन, ऐसा कौन भौंक रहा है, यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं, सिर्फ ओनली बार्किंग है, इसीलिए रॉन्ग. अब सिक्स देखो, अ डॉग इज बार्किंग, कुत्ता है भौंक रहा है. देखो यहाँ एक्शन वर्ड है बार्किंग,
बार्क यानी कि भौंकना, वो भी एक क्रिया है, इसलिए ये आएगा राइट, क्योंकि ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये दो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। अब आगे पेज नंबर 8 पे एक्सरसाइज बी, व्हिच ऑफ दीज आर सेंटेंसेस, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग अ कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स। क्या कहा है, ये कौन से प्रकार के वाक्य है, हमें क्या करना है, रीराइट करना है, फिर से लिखना है, लेकिन कैसे, रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग अ कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। जैसा हमने कहा था कि सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो ऑलवेज कैपिटल लेटर से होगी, और क्या हमें कौन सा मार्क हमें मेंशन करना है, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप है, वो हमें कहाँ अप्रोप्रिएट होगा वो देखना है। फर्स्ट सेंटेंस, आई शो अ स्नेक, सिर्फ आप इस वाक्य को देखो, आई, क्या आई कैपिटल है, नहीं है, ऑलवेज आई है वो कैपिटल ही आएगा, यदि जो सेंटेंस की बिगिनिंग हो तब भी, और यदि हम कोई पैराग्राफ लिखे तो भी आई है वो ऑलवेज कैपिटल आएगा। आई शो अ स्नेक, इसलिए आई को हमें कैपिटल करना पड़ेगा, शो मीन्स देखा एक्शन वर्ड, और स्नेक यानी कि स्नैप, देखो यहाँ फुल स्टॉप है, ये वाक्य है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ फुल स्टॉप है नहीं है, हमें क्या करना था, रीराइट करना था, इसीलिए आई शो अ स्नेक, देखो आई है वो मैंने कैपिटल किया, फिर शो ए स्नेक, स्नेक देखो यहाँ फुल स्टॉप आ गया। आपको भी देखो सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक पैटर्न है, अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि ये आई पहले क्यों फर्स्ट आया, फिर शो क्यों आया, और लास्ट में स्नेक क्यों आया, लेकिन सेंटेंस बनाने की एक इजी मेथड है जो आपको बताती हूँ। तो जैसा मैंने कहा सेंटेंस बनाने की इजी मेथड क्या है, आई यानी कि मैं, शो अ स्नेक, आई शो अ स्नेक, मैंने सांप देखा, आप ये भी कह सकते हो आई शो अ बटरफ्लाई, मैंने तितली देखी, इसी तरह आपके नए नए वाक्य हैं वो बना सकते हो, लेकिन उसमें जो सब्जेक्ट है आप इसको सब्जेक्ट कह सकते हो, आई है वो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है, कर्ता, जो इस वाक्य में जो कार्य करता है उसे हम वो कहते हैं, इसलिए आपको क्या याद रखना है कि जो भी पहले क्रिया करता है उसको पहले मेंशन करना पड़ता है। देखो फिर ऑलरेडी क्या है, एक्शन वर्क है, एक्शन वर्ड है, और बाद में तो पता है क्या लिखना है, ये जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं वो, इसीलिए आई शो स्नेक, यहाँ कर्ता आ गया, सब्जेक्ट आ गया, यहाँ देखो आपका एक्शन वर्ड आ गया, एक्शन वर्ड ऑलवेज कर्ता के बाद ही आएगा, यहाँ कोई लड़का का नाम, लड़की का नाम, कुछ भी नाम भी हो सकता है ऐसा। आगे फ्लाइंग बटरफ्लाई, क्या क्या है फ्लाइंग बटरफ्लाई, तो यहाँ हमें क्या करना है, एफ है वो कैपिटल आएगा और बटरफ्लाई के बाद फुल स्टॉप। ओके, आपको भी जब आप लिखो तब आप फुल स्टॉप करना भूलना मत। आगे अ काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, जो पतंग है वो आसमान में उड़ रही है, तो यहाँ देखो ए है वो स्मॉल है, हमने क्या देखा था सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो ऑलवेज कैपिटल आएगा, इसलिए ए कैपिटल, काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई, और फिर फुल स्टॉप। फिर क्या है, एवरी संडे यानी कि हर रविवार, यहाँ देखो एवरी में ई स्मॉल है लेकिन हमें ऑलवेज कैपिटल करना है,
एवरी संडे, संडे में एस भी कैपिटल ही आएगा क्योंकि मंथ के नाम, वीक के नाम, फेस्टिवल के नाम, किसी इंसान के नाम, ऑलवेज किसी के भी नाम, ऑलवेज फर्स्ट लेटर कैपिटल, इसलिए संडे में एस कैपिटल। फिफ्थ, वी ईट डिफरेंट ब्रेकफास्ट, क्या कहा है, वी ईट डिफरेंट ब्रेकफास्ट, हम अलग तरह का जो नाश्ता करते हैं, ब्रेकफास्ट यानी कि सुबह का नाश्ता। वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेकफास्ट, हम अलग तरह के नाश्ता करते हैं, तो यहाँ मैंने क्या चेंजेस किया, वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट, हम इसको इसी तरह से भी कह सकते हैं। अब लास्ट सिक्स, मंकी बनाना ईट, देखो यहाँ तो कितनी सारी मिस्टेक है, मंकी का एम कैपिटल नहीं है और एक्शन वर्ड देखो कहाँ है, लास्ट में है, एक्शन वर्ड ऑलवेज कहाँ होना चाहिए, नाम के बाद, इसलिए मैंने देखो यहाँ लिखा है मंकी, मंकी का एम कैपिटल, मंकी ईट्स, देखो यहाँ एक्शन वर्ड आ गया, बनाना फिर लास्ट में, मंकी ईट्स बनाना। सो यहाँ आपकी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है, आपको रीड और लर्न करना है ये सब। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज सी से ये चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय टू ऑल।